मला विचारलं का, मला आम्ही नगर सेविका इथले आहे, मला विचारलं का, आम्हाला विचारलं नाही, तुम्ही बोलता म्हणून बोलतो कशाला पण नाही करायचं, आधी मला विचारायचं ना, विचारायचं आधी विचारायचं. टुडे इंडिया न्यूज में आपका सभी दर्शकों का स्वागत है. आज हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 135 की नगर सेवा समीक्षा सत्र के वार्ड में, जहां लोगों को एक महीने से नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर है. आज हम बोलते हैं कि मैडम बोलती है कि हमने बहुत सारे ऐसे काम कर दिए कि आपको मालूम नहीं है, लेकिन आज हम इनके ही वार्ड से लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि नगर सेविका ने कितने अच्छे काम किए और खराब कितने अच्छे काम किए. बोलिए भाई, नगर सेविका ने आपको कितने साल से काम कर रही है? पानी यहाँ बह रहा है, गटर इतना गंदी, एक महीने से इतना पानी बह रहा है कि मतलब चलने का रास्ता नहीं है. कितने महीने से बन रहा है? एक महीने से ऊपर से काम चालू, एक महीने से काम चल रहा है, मतलब एक महीने से लोगों को समस्या है. एक महीने से लोगों की समस्या है. इसकी समस्या जब हमने भी इस मैटर में नगर सेविका वार्ड क्रमांक 135 की मैडम को हमने संपर्क किया, तो उसने तो इस बारे में भी जब कोई भी कार्रवाई आज नहीं हुई, लेकिन आज हम इस समस्या को लेकर सभी जनता के बीच में आए हैं. बोलिए जनता की राय क्या है. बोलिए भाई, आपका क्या राय है इस समस्या से? सामने का तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसको साफ करें ना गंदगी को. और वो भी पूरा पानी बाहर आ रहा है, पानी का पाइपलाइन में घुस रहा है, पानी की पाइप लाइन है बाजू में, ये पानी उसी में जा रहा है. तो चार बच्चे इसमें जा चुके हैं, 6 महीने से नाला खुला पड़ा है, इसका कोई वारिसदार नहीं है. ये देखो कुत्ता बिल्ली इसमें सब जा जाके मर रहे हैं, कोई नहीं है यहाँ पे बीएमसी का. देखिए ये समस्या लोगों की है, आज एक महीने से कोई सुनवाई नहीं होती, ना बीएमसी के अधिकारी ना नगर सेवक के लोग, ऐसा सुनवाई नहीं होती है. लोगों का इस नर्क में जीने का बुरा हाल है. पानी में बाथरूम का पानी, पूरा पानी पीने वाले पानी में जाना बाथरूम का पानी, तो उनका लोगों का कहना है कि ये जो बाथरूम का पानी है, सेवरेज का पानी है, वो नल के अंदर जाके प्रदूषित कर रहा है. लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियां चल रही है. ऐसी ही समस्या लोगों के बीच में देखिए, ये पब्लिक है, आज इनको घर से मजबूरन होके बाहर निकलना पड़ा इन लोगों को, कि हमारी बाथरूम का कचरा हमारी कंटिन्यू हमारी समस्या को हल करने वाला कोई नहीं है, जो कि आज इतने महीने के बाद नगर सेविका आज रोड पे आई, तो भी मीडिया को कवरेज करने के लिए, विरोध करने के लिए उनके कार्यकर्ता तैयार है. चेंबर का ले लो. हाँ बोलो. हम बात करना चाहते हैं यहाँ के दुकानदार, जो यहाँ पे दुकानदार चमत है, उनको कितनी समस्या आई है, अपने खुद जुबानी बताएंगे. बताइए साहब, आपको कितने महीने सर कैसी तकलीफ है? 6 महीने से नाला जाम है. और बोलो. 6 महीने से नाला जाम है, कुत्ता बिल्ली आदमी सब गटर के अंदर जाते हैं, मुंडी पकड़ के निकालो. देख लिए तो ठीक है, नहीं देखे तो अंदर चले गए. 25 अभी तक टोटल इसमें कितने लोग गिरे हुए और कितने जख्मी हुए? डेली 4 आदमी गिरते हैं उसमें, डेली निकालना पड़ता है, डेली 4 आदमी गिरते हैं, डेली निकालना पड़ता है. कोई सुनवाई नहीं है, गटर पूरा ओपन पड़ा हुआ है, एक भी लादी एक भी ढक्कन नहीं है उसके ऊपर. पूरा बाथरूम और गटर का पानी के तरह जाम है, पूरा रोड के ऊपर पानी बह रहा है. एरिया का विकास नहीं है, रोड के ऊपर हॉस्पिटल में जमा किया गया और मरने क्या हाल है. लोगों का कहना है कि यहाँ पर टोटल अभी तक 4 से 5 आदमी गिर चुके हैं, जिसको जनता ने निकाले हैं. आइए सुनते हैं अम्बेडकर. आइए आइए हम आज इनसे बात करते हैं, जो कि आज टेम्पू के अध्यक्ष हैं, दादा साहब से बात करेंगे. दादा साहब क्या समस्या लोगों ने? जब काम चालू है तब थोड़ा तकलीफ होएगा ही. अरे 5 महीने से काम चालू है, 5 महीने से काम चालू है, कोर्ट के चले जा रहे हैं. तो आदमी इसमें कितने आप जानकार हैं? आपने वो तो बताओ. काम चालू किया है, आदमी को
काम चालू है अभी, काम चालू तो थोड़ा तकलीफ होएगा ही। और सभी पब्लिक का विरोध है, इनका कहना है कि यहाँ ये 5-6 दिन से जो काम चल रहा है कॉन्ट्रेक्टर के वजह से सब तकलीफ है, पूरा रोड जाम हो गया, पूरा रोड में पानी भी जानते हैं। ये कॉन्ट्रेक्टर की जो तकलीफ है वो तकलीफ तो बनाने के वजह से है, लेकिन अगर ये जो जो खाई बनाई गई है, मौत की जो खाई है, उसके अंदर गिरने से 100% आदमी मर जाएगा। अरे आधे देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए टुडे इंडिया न्यूज।